अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डायटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लैक्टेटिंग मदर्स यानी वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए कि उनका वज़न भी कम हो जाए और उनकी फीट भी डिस्टर्ब ना हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिटॉक्स वाटर के साथ। डिटॉक्स वाटर होगा 1/4 चाय का चम्मच मेथी दाना, 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 इंच दारचीनी का टुकड़ा और 1/4 चाय का चम्मच सौंफ। रात को 1.5 लीटर पानी में भिगो के रख देना है, 1 ग्लास उठकर पीना है, बाकी थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में फिनिश करना है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे लैक्टेशन जो है वो बेहतर हो जाती है। नाश्ता 8 से 9 के दरमियान तकरीबन होना चाहिए। 3 खाने के चम्मच जौ या जई का दलिया यानी ओट्स या बार्ले पानी में पका लेना है। जब वो पक जाए तो उसमें 1 चाय का चम्मच शक्कर शामिल करनी है और 1 कप दूध बगैर मलाई के शामिल करना है। हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स यानी ऐसे मुट्ठी बंद करके जितने नट्स आसानी से आते हैं, आमंड्स, वॉलनट्स, कैशनट्स वगैरह, वो शामिल करते रहें। और उसके साथ 1 उबला अंडा अलहदा से खा लेना है, यानी दलिए का 1 बॉल अलहदा से खाना है और उसके साथ 1 उबला अंडा खा लेना है। अगर आप पंजीरी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नाश्ते की सेकेंड ऑप्शन होगी 1 कप दूध नीम गर्म करके बगैर भलाई के और उसके अंदर 2 खाने के चम्मच पंजीरी जिसमें नट्स को ज़्यादा कूटा ना जाए, जो कि आटे की बजाय दाल से बनी हुई हो या सूजी से बनी हुई हो, और चीनी के बजाय उसके अंदर शक्कर इस्तेमाल की जाए। 2 खाने के चम्मच पंजीरी आपने 1 कप दूध में शामिल करके वो ले लेनी है। उसके साथ नट्स वगैरह कुछ नहीं लेना, उसके साथ अंडा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ खवातीन रात को बच्चे के साथ लेट तक जागती हैं, 3-4 बजे सोती हैं, तो वो सुबह नाश्ता 11-12 बजे भी कर सकती हैं। लाजमी नहीं है कि पूरे 8-9 बजे ही आपने नाश्ता करना है। अगर आप 8-9 बजे उठ जाते हैं तो बेहतर है कि आप नाश्ता इस टाइम पर कर लें, वरना अगर आप लेट उठते हैं तो यही नाश्ता आपने लेट करना है। उसके बाद 12 बजे के करीब आपने 1 फल खाना है, केला, आम और अंगूर मना है, उसके अलावा आप कोई भी फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका नाश्ता ही 11-12 बजे हो रहा है तो आप इस फल को बेशक रहने दे, या ये फल बेशक आप ऐड कर लें नाश्ते के साथ। इसके बाद आपका दोपहर का खाना होगा तकरीबन 2 से 3 बजे के करीब, जिसमें कच्ची सब्जियों का सलाद आप जितना मर्जी ले लें, इसकी कोई मिकदार नहीं है, या आप जितना लेना चाहें ले सकते हैं। उसके साथ आधी रोटी, जितनी घर में रोटी बनती है उसको आधा कर दें, लेकिन रोटी किसी भी होल ग्रेन आटे की होनी चाहिए। होल ग्रेन आटे से मुराद है सफ़ेद आटा ना हो, चाहे वो गंदम हो, जौ हो, जई हो, बेसन हो, बाजरा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आधी रोटी हो और होल ग्रेन आटे की रोटी हो, सफ़ेद आटा नहीं लेना। उसके साथ कोशिश करें कि कोई कीमा इस्तेमाल कर लें या गोश्त की बनी हुई कोई चीज़, जैसे कढ़ाई का इस्तेमाल, मटन बीफ का इस्तेमाल, यखनी का इस्तेमाल कर लिया जाए। इस टाइम पे बेहतर है कि सलाद वैसे कच्चा फॉर्म में, सब्जी कच्ची फॉर्म में, आधी रोटी और उसके साथ गोश्त, चाहे वो चिकन है, मटन है, फिश है, बीफ है, उसका इस्तेमाल किसी भी फॉर्म में कर लिया जाए। इस केस में चिकन, मटन, बीफ या फिश की कोई मिकदार नहीं है, लेकिन रोटी आधी से ज़्यादा नहीं लेनी। अगर आपको चावल पसंद है तो आप आधी रोटी की बजाय, आधी रोटी की जगह 20 चाय के चम्मच चावल ले सकते हैं। टेबलस्पून से नहीं खाना, टीस्पून से खाना है। शाम 5 से 6 बजे के करीब आपने 1 फल दोबारा से खाना है, जिसमें केला, आम, अंगूर मना है, उसके अलावा कोई भी फल लिया जा सकता है। रात का खाना दोपहर के खाने की तरह खाना है, यानी 1 कप सलाद, आधी रोटी या 20 चाय के चम्मच चावल। उसके साथ इस टाइम पे अगर आप चाहें तो आप सालन में कोई भी सालन इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने गोश्त इस्तेमाल करना है, आप सब्जी का सालन इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपसे रात में सलाद नहीं खाया जाता तो आप आधी रोटी को सब्जी के सालन के साथ ले सकते हैं। आप सालन की मकदार बढ़ा दें, सलाद बेशक रहने दें। उसमें अगर आप मटन बीफ ऐड करना चाहते हैं सब्जी में तो वो आप कर सकते हैं। दाल आलू का इस्तेमाल नहीं करना सालन के तौर पर रोटी या चावल के साथ। बाकी आप जो सालन लेना चाहें रात में ले सकते हैं, ले आप दोपहर में भी कोई भी सालन सकते हैं, मगर प्रेफर करें कि उस टाइम पर कोई गोश्त हो जाए, और इस टाइम पर आधी रोटी बेशक सब्जी या किसी भी सालन के साथ हो सकती है। लेट नाइट अगर आप जाग रहे हैं तो आपने नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करना है, उसके साथ दोबारा से 1 मुट्ठी नट्स ले लें। अगर आपने नीम गर्म दूध पी लिया, नट्स ले लिए, उसके बाद भी रात को 2 से 3 बजे के दरमियान आपको भूख लगती है तो आप 1 उबला अंडा खा सकते हैं, या भुने हुए चने 1 मुट्ठी में जितने आते हैं 1-1 दाना करके खाना है, मुट्ठी डायरेक्ट मुंह में नहीं डालनी। इस सारे डाइट प्लान के साथ अगर आपको चाय की आदत है तो आप दिन में 3 कप चाय पी सकते हैं, लेकिन किसी भी मील यानी नाश्ते, दोपहर के खाने, रात के खाने के 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद चाय नहीं पीनी। जो चाय आप पियेंगे उसमें इतना सा दूध होना चाहिए, बाकी सारा पानी, यानी 1/4 कप दूध बगैर चीनी के, और ज़्यादा सारे पानी वाली चाय होगी। हाँ, अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप चाय की जगह ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कब्ज़ का मसला है तो 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 ग्लास नीम गर्म पानी में डाल के शाम को 6 बजे आपने इस्तेमाल करने हैं। न्यूट्रोसूटिकल जो मैंने आपको बताए हैं, मेथी दाना, ज़ीरा वगैरह, उन्हीं का इस्तेमाल करना है, इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने वॉक की इजाज़त दी है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी वॉक साथ में रखें। सिर्फ डाइट प्लान के अगर आप करते रहेंगे और वॉक नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं है।
आपको अपने कम से कम 10,000 स्टेप्स करने हैं वेट लॉस के लिए, और वाटर इनटेक भी कम से कम 8 ग्लास होना चाहिए। डिहाइड्रेटेड बॉडी कभी भी अच्छा वजन कम नहीं करती। शुक्रिया।